watch the letter that led his last daughter 13 centuries ago. And I think you will agree with me that whatever else you may be or whatever you are, you're a Muslim. That you have now carved out its territory. Vast territory. It's all yours. It doesn't belong to a Punjabi or a Bengali or a Hindi. It's yours. You've got your central government where every unit and every province is represented. Therefore, if you want to build up yourself into a nation and get rid of this poison, not break and give up this provincialism. You are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan is based on pure foundation of social justice and Islamic socialism, not otherism. Brotherhood, equality, fraternity of man, these are all the basic points of our religion, culture and civilization. And we fought for Pakistan because there was danger of denial of these human rights in this continent. After all, the story of Pakistan and its struggle and its achievement is a very story of great human ideals struggling to survive in the face of odds and difficulties. Let us now plan and build and reconstruct and regenerate our great nation. Now is the time, chance and opportunity for every Muslim to make his or her fullest and best contribution and make the greatest sacrifice and work ceaselessly and selflessly in the service of our nation, and make Pakistan one of the greatest nations of the world. Pakistan is now in conflict. पाकिस्तान को वजूद में आए हुए 64 साल ही गुजरे हैं, लेकिन कौमों और मुल्कों के लिहाज से हमारी ये मुख्तसर सी तारीख बहुत से तजुर्बात के जख्म सह चुकी है। बहसी कौम हमने अब तक जितने तजुर्बात किए हैं, इतने तजुर्बे शायद ही दुनिया की किसी कौम ने किए हों। आज़ादी की जद्दोजहद से लेकर पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत, मार्शल ला, सदारती निज़ाम हुकूमत, बुनियादी जमहूरियतें, मार्शल ला, मुल्क का दो हिस्सों में तकसीम होना, सिविल मार्शल ला, पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत की बहाली, तवील मार्शल ला, निफाज़े इस्लाम की कोशिशें, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की जद्दोजहद में शरीक होकर एक सुपर पावर से टकराव और दूसरी सुपर पावर की नौकरी और चाकरी, सियासी हुक्मरानों की अदलिया के साथ महाजराई, अदलिया की फौजी हुक्मरानों की पुशपनाही, जमहूरियत की बहाली, जमहूरियत की नाम नेहाद बका के लिए सियासतदानों की अदलिया के साथ खींचातानी, खलफिशार ही खलफिशार, इंतशार ही इंतशार, गोया हमारी तारीख मुनफरिद और मुतजाद तजुर्बात से सजी हुई है। हमारी एक ही नस्ल ने पाकिस्तान को बनते बिगड़ते टूटते संभलते और फिर बिखरते हुए देखा है। हमने जज्बों की बहार भी देखी है और आरजुओं की खिजा भी। ये जैसी भी है हमारी अपनी तारीख है। तारीख किसी भी कौम का हाफिजा होती है। हमारे लिए हमारी तारीख इसलिए भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, हमारे जुग्राफिये ने हमारी तारीख की कोख से जन्म लिया है, जबकि दूसरे मुल्कों के जुग्राफिये से उनकी तारीख को तलाश किया जाता है। तो चलिए आइए
आज अपनी तारीख के झरोखों में झांकते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कुछ कब, कैसे और क्यों हुआ। ये कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। क्योंकि बुनियादी तौर पर स्टेट दो चीजों की वजह से वजूद में आती है, एक होता है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा होता है जस्टिस, तीसरी कोई चीज नहीं है स्टेट की, यही बुनियादी वजह होती है। वरना लोग अपने यतीमों को भी पाल लेते हैं, अपना कारोबार भी कर लेते हैं, अपनी हिकमत भी कर लेते हैं, अपने अपनी मस्जिदें भी बना लेते हैं, अपने कुएं भी खोद लेते हैं, अपनी खेती बाड़ी के लिए अपनी करेजें भी बना लेते, सारा काम कर लेते हैं। उनको सिर्फ दो चीजों के लिए स्टेट की जरूरत होती है कि भाई हमारे दरमियान फैसले करा दो और हमारे दरमियान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लो, और अगर कभी इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन हो फौज तो बाद में। व्हाट इज द खिलाफा? द खिलाफा इज स्टेट एंड गवर्नमेंट इन इस्लाम। व्हाट इज इस्लाम? द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम इज सबमिशन टू अल्लाह। What is submission to Allah? Submission to Allah is submission to Allah as Al-Malik. In some translations in English you find Malik as king. No, we don't want that translation tonight. We're dealing with political terminology here tonight. And so Al-Malik is the sovereign. Now that's a word you'll understand. Sovereign. Lahul Mulk, sovereignty belongs to him. To submit to Allah is to submit to Allah as Al-Akbar. Al-Akbar is the one who has supreme authority. And so the Khilafah is a state and government which submits to Allah's authority as supreme. Islam is to submit to Allah as Al-Hakam. Al-Hakam is the lawgiver, who not only gives the law, but his law is the supreme law. And when he makes something haram, it must be enforced as haram. And when he makes something halal, it must be enforced as halal. For a Muslim to submit to anyone else and recognize his authority as supreme is to say goodbye to Allahu Akbar. और जो दस्तूर के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं मुनाफ़त का पलंदा कहता हूं, इसलिए कि उसमें इस्लाम है जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, लेकिन साथ ऐसे जोर दरवाजे हैं कि जिनसे वो दफात जो है इस्लामी वो मुअस्सिर नहीं, इसी का नाम मुनाफ़त है।